दोस्तों आज हम इमली की चटनी बनाएंगे। आप किसी भी नाश्ते के साथ इसे सर्व करिए। आइए फिर बनाना शुरू करते हैं। चटनी के लिए हमने इमली को भिगो दिया है। इमली को हमने 5 से 6 मिनट तक बढ़िया तरीके से उबाल लिया है। ये देखिए अब इनको छान लेते हैं। छानने के बाद हम कढ़ाई में डाल देंगे इमली का जो रसा है। अब इसमें गुड़ डालेंगे। इमली और गुड़ बढ़िया से पक चुका है और जो गुड़ की गंदगी है उनको निकाल लेते हैं। उबलने के बाद इस तरीके गंदगी ऊपर आ जाती है। ये हमने इस तरीके गंदगी निकाल ली। अब पुदीने की पत्ती डाल देते हैं। इनको भी ढक देंगे। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। आइए अब तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने के लिए पैन रख दिए। गैस भी जला चुके हैं। पैन काफी गर्म हो चुका है। ऑयल डालेंगे। ऑयल भी गर्म हो चुका है। एक चम्मच करायल डालेंगे, जिसे मंगरायल भी बोलते हैं, कलौंजी भी बोलते हैं। कलौंजी चटकने लगी। अब एक छोटा चम्मच सौंफ डाल देते हैं। सौंफ भी चटक चुका है। अब इसमें गुड़ और इमली हमने जो पका लिया था अब उनको डाल देते हैं। चटनी बनके तैयार हो चुकी है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। सर्व करने के लिए तैयार हो गई पिटीज के साथ। ये देखिए पिटीज भी दिखाते हैं। इमली की चटनी है ये। बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनके तैयार हो गई है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।